किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से खेती किसानी YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 45 हॉर्स पावर श्रेणी में दमदार और पॉपुलर ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन लेकर, जिसमें पहला ट्रैक्टर है कुबोटा का MU4501 और दूसरा ट्रैक्टर है जोनडियर कंपनी का काफी समय से पॉपुलर जोनडियर 5045D पावर प्रो। दोनों ही ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में काफी पॉपुलर है और किसान भाइयों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। तो दोनों में से आपको कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस अगर YouTube पर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। किसान भाई, सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही ट्रैक्टर्स के डाइमेंशंस की। अगर हम कुबोटा की बात करें तो इसकी जो लंबाई है यानी कि जो लेंथ है वो है 3100 mm। वहीं अगर जोनडियर की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 3410 mm, यानी कि जोनडियर थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा है। अगर हम बात करें व्हील बेस की तो 1990 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है कुबोटा में। वहीं अगर हम व्हील बेस की बात करें जोनडियर की तो 1970 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है जोनडियर में। अगर हम दोनों ही ट्रैक्टर के वेट की बात करें तो कुबोटा में आपको 1850 किलोग्राम का टोटल वेट मिल जाता है। वहीं अगर जोनडियर की बात करें तो 1810 किलोग्राम का टोटल वेट इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुबोटा का जो ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं अगर जोनडियर की बात करें तो इसमें आपको 415 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। दोनों ही ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है। किसान भाइयों, अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इंजन की, तो कुबोटा में आपको 45 हॉर्स पावर का दमदार 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। वहीं जोनडियर 5045D पावर प्रो की बात करें तो इसके अंदर आपको 46 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। अगर दोनों ही ट्रैक्टर के इंजन टाइप की बात करें तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दोनों ही ट्रैक्टर के मिलते हैं, यानी कि टर्बोचार्ज इंजन दोनों ही ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलते। अगर हम बात करें इंजन सीसी की तो कुबोटा में आपको 2434 cc का इंजन मिल जाता है। लेकिन अगर जोनडियर की बात करें तो इसके अंदर आपको 2900 cc का इंजन मिल जाता है, यानी कि सीसी में जोनडियर आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। लेकिन कुबोटा भी 4 सिलेंडर होने के कारण पावर की कोई भी कमी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, अगर बात करें इंजन RPM की तो कुबोटा में आपको 2500 RPM पर अपनी 45 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है। लेकिन अगर हम जोनडियर की बात करें तो इसके अंदर आपको 2100 RPM पर अपनी 46 हॉर्स पावर की ताकत मिल जाती है। अगर हम फ्यूल पंप की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप मिलते हैं जो कि शानदार होते हैं खेती के काम करने के लिए। किसान भाइयों, अगर बात करें एयर फिल्टर की तो दोनों ही ट्रैक्टर में नए जमाने के ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट एयर फिल्टर आपको मिल जाते हैं। चलिए अब बात करें हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो कुबोटा MU4501 में आपको मिलती है 1640 किलोग्राम की वजन उठाने वाली हाइड्रोलिक्स। अगर हम जोनडियर की बात करें तो इसके अंदर आपको 1600 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक मिलती है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कुबोटा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। अगर हम सेंसिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में 3-point linkage सिस्टम और ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल हाइड्रोलिक्स मिल जाती है जो कि शानदार होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पावर टेक ऑफ यानी कि PTO की, तो कुबोटा के MU4501 में आपको और जोनडियर के 5045D पावर प्रो में दोनों ही ट्रैक्टर में 540 RPM PTO मिल जाती है जो कि स्टैंडर्ड होती है। अगर हम PTO हॉर्स पावर की बात करें तो कुबोटा में आपको काफ़ी शानदार 41.15 हॉर्स पावर की PTO मिलती है जो कि 45 हॉर्स पावर श्रेणी में काफ़ी दमदार और अच्छी है। अगर हम जोनडियर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 39 हॉर्स पावर की PTO देखने को मिल जाती है। अगर हम PTO के ऑप्शंस की बात करें तो कुबोटा में आपको 750 RPM इकोनमी PTO मिल जाती है, वहीं जोनडियर में भी आपको 540 RPM इकोनमी PTO मिल जाती है। अगर हम रिवर्स PTO की बात करें, वहीं जोनडियर में आपको रिवर्स PTO मिल जाती है। अगर देखा जाए तो PTO में आपको कुबोटा ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा क्योंकि इसके अंदर आपको PTO हॉर्स पावर जो है वो शानदार और बेहतर नज़र आएगी जोनडियर के 5045D के मुकाबले। किसान भाइयों, अब बात करें ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गियरबॉक्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको काफ़ी शानदार गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाले गियरबॉक्स दिए जाते हैं जिससे खेती के हर काम और हर उपकरण को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुबोटा की तो इसके अंदर आपको सिंक्रोमेश गियरबॉक्स मिलता है जो कि गियर बदलने में तो आसान होता ही है और लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाने पर भी आपको कोई भी थकान महसूस नहीं होती। अगर हम बात करें जोनडियर की तो इसके अंदर भी काफ़ी शानदार कोलर शिफ्ट गियरबॉक्स दिया जाता है। यह भी गियर बदलने में काफ़ी आसान होता है, लंबे समय तक ट्रैक्टर को चलाने पर भी आपको कोई भी थकान महसूस नहीं होती।
अगर हम बात करें क्लच की तो कुबोटा में आपको डबल क्लच मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पीटीओ के लिए अलग से क्लच दिया जाता है, जिससे आप पीटीओ के काम और भी आसानी से कर सकते हैं। अगर जोनडियर की बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूल क्लच दिया जाता है। इसके अंदर एक ही पेडल में पीटीओ और मेन क्लच दोनों होते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो कुबोटा आपको जीतता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोमेश गियरबॉक्स तो दिया ही जाता है, उसी के साथ डबल क्लच होने से यह और ज़्यादा बेहतर बन जाता है। किसान भाइयों, अब बात करें दोनों ही ट्रैक्टर की स्पीड की, तो कुबोटा में आपको आगे जाने के लिए 30.80 kmph की स्पीड मिलती है। वहीं अगर जोनडियर की बात करें तो इसमें आपको आगे जाने के लिए 30.92 kmph की स्पीड मिलती है, यानी कि दोनों ही ट्रैक्टर लगभग बराबर है। अगर हम रिवर्स स्पीड की बात करें तो कुबोटा में आपको 13.80 kmph की स्पीड मिल जाती है। वहीं अगर बात करें जोनडियर की तो इसके अंदर आपको 13.43 kmph की रिवर्स स्पीड मिल जाती है, यानी कि रिवर्स स्पीड में दोनों ही ट्रैक्टर बराबर है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें टायर साइज की तो कुबोटा में आपको फ्रंट में 6016 और 7516 के दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं जोनडियर में आपको केवल 6016 के ही टायर देखने को मिलते हैं। अगर हम पिछले टायर की बात करें, कुबोटा के अंदर आपको 13628 और 14928 दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर हम जोनडियर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 13628 और 14928 दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, अब बात करें ब्रेकिंग सिस्टम और स्टेयरिंग की, तो आपको कुबोटा में ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स मिलते हैं, वहीं जोनडियर में भी आपको ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स ही मिल जाते हैं। अगर हम इनके ऑपरेशन की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर मैकेनिकली ऑपरेटेड ब्रेक्स के साथ आते हैं, यानी कि एक रोड लगी होती है, इससे ही दोनों ट्रैक्टर के ब्रेक ऑपरेट होते हैं। अगर हम बात करें स्टेयरिंग की तो कुबोटा में आपको डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिल जाती है। वहीं अगर जोनडियर की बात करें तो इसके अंदर आपको सिंगल सिलेंडर पावर स्टेयरिंग मिल जाती है। किसान भाइयों, अब बात करें दोनों ही ट्रैक्टर के वारंटी की, तो आपको कुबोटा देता है काफी शानदार 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी। वहीं जोनडियर में आपको काफी शानदार 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी मिल जाती है। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो दोनों ही ट्रैक्टर काफी शानदार है अपनी श्रेणी में, लेकिन अगर आप पीटीओ हॉर्स पावर के हिसाब से ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपको कुबोटा लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफी शानदार पीटीओ पावर मिल जाती है। लेकिन अगर आप जोनडियर को लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको काफी शानदार पावर देखने को मिलेगी और टॉर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कम आरपीएम पर ज़्यादा पावर मिलती है। किसान भाइयों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस ट्रैक्टर की प्राइस जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम दोनों ही ट्रैक्टर की प्राइस आपको बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद।